हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा। तो जिसके लिए मैंने चॉप प्याज, चॉप धनिया और ये हरी मिर्च ले ली है, और ये मैंने 500 ग्राम भर आलू ले लिया। और इसके लिए सीक्रेट मसाला, एक बार इस ट्रिक से आप ज़रूर बना के देखें, बहुत ही टेस्टी यम्मी ये पराठा बनता है। जिसके लिए मैंने एक टेबल स्पून साबुत धनिया ले लिया है, एक टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है, एक बड़ी इलायची, दो हरी इलायची, तीन चार लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक टेबल स्पून सौंफ और दो लाल मिर्च। इसे अब हम रोस्ट कर लेंगे। तब तक हम आलू को मैश कर लेते हैं। तो ये सीक्रेट मसाला हमारा बिल्कुल रोस्ट हो चुका है, अब इसे हम कूट लेंगे। तो ये जो मैंने सीक्रेट मसाला बनाया था उसे मैंने कूट लिया, बिल्कुल एकदम बारीक करके कूट लिया। गैस पर कढ़ाई को चढ़ा देंगे, उसके बाद इसमें हम तेल डालेंगे। तेल को कढ़ाई में हम जलने देंगे। मैंने आलू को बिल्कुल एकदम सॉफ्ट, एकदम बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लिया, एक भी इसमें गुलटी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम एकदम स्मूथ एकदम। तो तेल हमारा बिल्कुल जल चुका है, इसमें हम प्याज डाल देंगे। इसे गोल्डन फ्राई होने तक के हम भून लेंगे। इसमें अब हम हरी मिर्च डाल देंगे, इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन फ्राई हो चुका है, इसमें अब हम आलू को डाल देंगे। अब इसमें हम सूखा हुआ मसाला डाल देंगे, एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर, एक टेबल स्पून मिर्चा पाउडर, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे एक टेबल स्पून। अब इसे अच्छा से हम भून लेंगे। जो हमने सीक्रेट मसाला बना रखा था ये रोस्ट करके उस मसाले को हम डाल देंगे। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया कि मैंने क्या सीक्रेट मसाला डाला तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना, एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे सीक्रेट मसाले से, बहुत ही टेस्टी यम्मी बनता है ये पराठा। आलू हमारा बढ़िया से एकदम भून चुका है, अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसमें हम ढेर सारा धनिया डाल देंगे। अब चलिए हम आटा लगा लेते हैं। मैंने आधा किलो 500 ग्राम आटा लिया, इसमें एक टेबल स्पून अजवाइन डाल देंगे, इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इसमें अब हम घी डाल देंगे एक से दो टेबल स्पून। आप लोगों के पास रिफाइन है तो रिफाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से बिल्कुल सॉफ्ट बनता है पराठा। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी देके आटा को बढ़िया से अब हम गूंद लेंगे। पराठे के लिए बिल्कुल आटा को हाथ से ऐसे गूंदे, बिल्कुल एकदम गूंदना है, एकदम कम से कम 5 से 7 मिनट तक। आटा को हम ढक के 2 मिनट या 5 मिनट के लिए ढक के हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आटा हमारा फूल चुका है, इसमें थोड़ा सा हम घी लगा देंगे ताकि पराठा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बने। आटा को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए बिल्कुल मेरा सॉफ्ट आटा गूंद चुका है, इससे इतना बेहतरीन एकदम मुलायम सॉफ्ट पराठा बनेगा इससे। चलिए अब हम रोटी को बेल लेंगे। थोड़ा सा हम
पेड़े को बेल लेंगे। अब ये इसमें हम डाल देंगे इसे अच्छे से। अब हम पेड़े को हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि रोटी हमारा फटे नहीं। बन चुका अब हमारा रोटी, अब इसे सेक लेंगे। रोटी को दोनों तरफ से हम सेक लेंगे, तब तक हम दूसरा पेड़ा बना लेंगे। अब इसे दोनों तरफ तवे में हम रोटी पे ऑयल लगा लेंगे, इसे अब हम सेक लेंगे। इसे हम पलट पलट के दोनों तरफ से बढ़िया से करारा करके हम रोटी को सेक लेंगे। बिल्कुल एकदम रोटी हमारा बढ़िया से सिक चुका, बिल्कुल फूला फूला पराठा हमारा सिक रहा। हमारा आलू का पराठा बनके बिल्कुल रेडी है एकदम। कितना यम्मी टेस्टी सा पराठा बना है, एक बार देख लीजिए। खस्ता एकदम टेस्टी पराठा आलू का बनके बिल्कुल रेडी है। इसे आप लाल चटनी के साथ ले सकते हैं। हमारे सीक्रेट मसाला से बनाइएगा पराठा तो बिल्कुल ऐसे ही खस्ता पराठा बनेगा आपका। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा कैसा बना है मेरा पराठा। मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।